नमस्कार बीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना है, पीएम मोदी जी इनकी सुरक्षा का जो विषय चल रहा है उसके बारे में। आज हमारे साथ है शब्बीर विद्रोही जी और धर्मपाल मेशराम जी। सर बहुत बहुत दोनों का स्वागत है आज हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। सबसे मेरा जो पहला सवाल है मेशराम सर जी से है कि जिस तरह से पीएम मोदी जो है एक कार्यक्रम के लिए पंजाब गए थे, वहां से वो भटिंडा से जो है हुसैनी वाला जा रहे थे, उस दौरान जो मतलब जिस तरह का जो हादसा हुआ बोल सकते हैं फ्लाईओवर पे जिस तरह से उनके काफिले को रोका गया है, और क्या पीएम मोदी की सुरक्षा खतरे में है या उसपे सवाल या निशान निर्माण हो रहे हैं, क्या बताना चाहोगे? आपके सवाल में ही आपने जवाब, मेरा जवाब है ऐसा मैं कहूंगा। सच बात यह है कि आदरणीय मोदी जी जब रैली को संबोधित करने के लिए पंजाब में गए थे तब हवाई मार्ग खराब होने की वजह से उनको रास्ते के मार्ग चुनना पड़ा, और जब पंजाब पुलिस ने उनको मान्यता दी, उस रूट को अप्रूव किया और प्रवास करने की मुभा दी, उसके तहत ही माननीय मोदी जी रास्ते मार्ग से रैली पर जाने के लिए पहुंचे। बड़े दुर्दैव की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी इनके काफिले को बीच रास्ते में सड़क पर रोका गया। एक प्रधानमंत्री के लिए कितने स्तरों की कितनी स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है यह मैं नए से बताने की जरूरत नहीं समझता। इस देश का हर नागरिक जानता है कि कम से कम त्रिस्तरीय सुरक्षा होनी चाहिए, होती भी है। जब राज्य में एखादे इस देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उस राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाना चाहिए। यह पाया गया और यह सिद्ध हुआ कि पंजाब की पुलिस और पंजाब की सरकार इसमें फेलियर उनका साबित हुआ है, और अभी ऐसे मामलातों में ऐसे स्थिति में यह हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है ऐसा मैं मानता समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्दैवपूर्ण और बहुत ही गंभीर घटना है। और इस तरीके से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा व्यवस्था में एक राज्य की सरकार चूक करती होगी तो यह भी जांच का हिस्सा होना चाहिए कि यह चूक क्या जानबूझकर की गई। इस देश इस प्रकार से इस तरीके से इस देश की स्वतंत्रता को भी प्रश्न चिन्ह लगाने में शायद पंजाब की सरकार और पंजाब की पुलिस यशस्वी हुई है ऐसा मैं समझता हूं। तो यह इस देश के हर नागरिक के लिए, स्वतंत्र भारत के हर नागरिक के लिए अत्यंत दुर्दैवपूर्ण घटना है और इसकी कड़ी निंदा, कड़े से कड़ी शब्दों में मैं निंदा भी करता हूं और आगाह भी करना चाहता हूं, चेताना भी चाहता हूं कि इस तरीके से अगर पंजाब की सरकार या पंजाब की पुलिस काम करती होगी तो फिर केंद्र शासन भी और केंद्र शासन को भी और इस देश के स्वतंत्र भारत के हर नागरिक ने भी इस ऐसे राज्य सरकारों के बारे में सोचने का समय आ गया है। बिल्कुल शब्बीर विद्रोही जी, मेरा सवाल वही आपकी तरफ है, क्या बताना चाहोगे, क्या सवाल या निशान जो है मोदी जी की सुरक्षा रक्षा पर यहाँ पे निर्माण हो रहे हैं, और क्या बता आपका एक क्या मतलब ओपिनियन है किस तरफ ये जो हुआ है हादसा, हमें हमारे देश को एक इतिहास भी रह चुका है, हमने दो प्रधानमंत्री ऐसे ही गवाए हैं, क्या बताना चाहोगे? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर दूं, भले 6 दिन हो गए, नए साल की बधाई दो। और हमारे धर्मपाल जी बैठे हैं, इनके प्रश्न अपने सामने में, अपने इनके उत्तर अपने सामने में, अपनी बात तो सामने ये आती है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जहां जाने की बात है उसका वैकल्पिक रूप था, क्योंकि एसपीजी के जी में है प्रधानमंत्री की पूरी सुरक्षा रहती है। दूसरी एसपीजी की सुरक्षा और मार्ग को बनाती है वह सीबीआई एसबीआई ने जो खुफिया डिपार्टमेंट से और लोकल पुलिस यानी पंजाब पुलिस के डीजीपी के साथ राय मशवरा करके
जो भी कार्यक्रम हमने अखबारों में देखा और कार्यक्रम पत्रिका जो देखा जा रहा है दो दिन से न्यूज में भी देखने को मिल रहा है, उसमें हेलीकॉप्टर से जाने का मामला तय था, लेकिन हेलीकॉप्टर से मौसम गड़बड़ होने की वजह से अब उनके वैकल्पिक मार्ग अगर जो थे तो वो मार्ग में मेरे को नहीं लगता, मेरा तो कुछ बोलना नहीं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा जैसे होनी चाहिए और वो सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनकी जान की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है और हर भारत के अंदर जितने राज्य सरकारें हैं सबका ये कर्तव्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि एसपीजी ने उनको मूव करने का आदेश किसके कहने पर दिया। देखिए मैडम आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वरना आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी एसपीजी को जो था डीजीपी अगर हरी झंडी देंगे तभी उनको मूव करने का होगा, और जब मूव वो करेंगे तो आप ये बता दीजिए कि जिस प्रधानमंत्री को 15 मिनट में या 20 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंचना था वो 111 किलोमीटर या 120 किलोमीटर जो भी उसकी दूरी हो उसको बाई रोड तय करने के लिए कैसे तैयार हुए एक अलग बात है, क्योंकि जब तक उनको इजाजत नहीं दी जाएगी लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आदत थोड़ी सी गड़बड़ है, बगैर बताए वो कहीं चल देते हैं और जब वो चल देते हैं तो उनके पीछे फोर्स को चलनी पड़ती है। काबुल से आते आते पाकिस्तान उतर गए जो कि प्रोग्राम में नहीं था, उसी तरीके से इनके प्रोग्राम पत्रिका को पढ़ लीजिए, हुसैनी बाग स्मारक का प्रोग्राम में कहीं जिक्र नहीं था। है ठीक है प्रधानमंत्री है, उनका मूड कभी भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर जाने का हो सकता है, लेकिन सुरक्षा की जवाबदारी एसपीजी और राज्य सरकारों की मिल करके है। वहां पर भी एक बात सोचने की आ जाती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर आपदा में अवसर तलाश करते हैं और हर अवसर में सहानुभूति तलाश करते हैं और हर सहानुभूति से वोट बिटोरने का भी काम करते हैं। अभी बनारस में कैरिडोर के उद्घाटन में गए थे विश्वनाथ जी के, वहां भी रात को 1 बजे उठ के प्लेटफार्म पर चले गए, वाराणसी रेलवे स्टेशन चले गए। तो हमारा उस पर कहने का मुद्दा नहीं है, हर आदमी अपने अपने का स्वतंत्र है, लेकिन कुछ सुरक्षा की बातों को लेकर के चलने में हमारा भी दायित्व तो होता है कि हम भी अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। आप बता दीजिए अगर लोग रास्ते पर दिखे तो 20 मिनट रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत टर्न ले लेना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह चुनाव का दौर है, पंजाब पाकिस्तान से लगा हुआ हिस्सा है, प्रदेश है, और जहां प्रोग्राम था वहां से केवल पाकिस्तान का बॉर्डर 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर था और अभी अभी 50 किलोमीटर की दूरी को बीएसएफ के हवाले हमारी सरकार ने किया था। हमको किसी पंजाब की सरकार का भी पक्ष नहीं लेना है, हमें पक्ष लेना है हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा का, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की बातों की विश्वसनीयता भी खतरे में है। हमारे प्रधानमंत्री कितना सच बोलते हैं पूरे भारतवासी जानते हैं। प्रश्न पहला ये उठता है, हमारे धर्मपाल भाई उसका उत्तर देंगे जैसा भी उत्तर देंगे, आप बताइए एसपीजी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, डीजीपी ने अपना बयान दिया, पीएमओ के यहां से कोई बयान आया, अभी तक कुछ नहीं आया। तो मेरा यह कहना है कि पीएम जब लौटते वक्त जो एक शब्द का प्रयोग किए कि अपने सीएम से कह देना मैं जीवित या जीवित वापस जा रहा हूं, यह दो प्रश्न को है। एक 20 मिनट आप रुके रहे, आप भी चाहते रहे कि कोई आए और एक पत्थर फेंक दे ताकि हमको चुनाव में ये भजाने का मौका मिल जाए, 20 मिनट रुकने का प्रश्न ही नहीं आता है जब रास्ता अवरुद्ध है। प्रधानमंत्री जो है देश के बराबर है, प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव भी है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको एक आंच भी नहीं आनी चाहिए पत्थर कोड़ी तो बात। मगर मैं ये साफ आपसे कह दूं मैडम कि हमारे पंजाब की जनता भले इनसे नाराज रही हो किसान के मुद्दे को लेकर, लेकिन वो हिंसा की तरफ नहीं है, न हिंसा की तरफ जा सकती है। प्रधानमंत्री जी चूंकि वोट बिटोरने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और उनकी सत्यता भी विश्वसनीयता के आधार पर कितना सच होता है कि वो कितना सही बोलते हैं, ये सब कसौटी की बात है, जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी मिले ऊपर कार्रवाई। श्रीराम जी के और जाना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, जिस तरह से विद्रोही जी ने बताया है कि वोट के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है, क्या बताना चाहूंगी?
शब्बीर अहमद विद्रोही साहब मुझसे काफी बुजुर्ग है, मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, राजनीति समझते हैं। मैं समझता था कल तक कि शायद सत्ता में इतने साल रहने के बाद और उनकी सहभागिता होने के बाद और सत्ता के भागीदार होने के नाते वे शायद प्रशासन को भी समझते होंगे, पर आज बड़े बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शब्बीर अहमद भाई हमारे बड़े भाई वह प्रशासन को शायद नहीं समझते। जब बात प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की आती है तो वह त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है। आप एक सामान्य एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, एंट्री मारते हैं या बाहर आते हैं तो वहां पर भी त्रिस्तरीय सुरक्षा होती है। वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा होती है, वहां विमानतल प्राधिकरण की सुरक्षा होती है और वहां राज्य सरकार की सुरक्षा होती है। मैं ये समझता हूं कि एसपी जी अपने मत से कभी भी मूव नहीं कर सकती। एसपी जी को जब तक राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक या वहां की राज्य सरकार जब तक के अलाउ नहीं करती तब तक एसपी जी अपने मन से कभी भी मूव नहीं हो सकती। यह बात को आप हम सबको समझना पड़ेगा। दूसरी बात आपने कही, अब जब अगर प्रधान अपना पंजाब की पुलिस, पंजाब की शासन और पंजाब की पुलिस ने जब तक के एसपी जी को मूव करने का आदेश नहीं दिया तब तक के एसपी जी अपने मन से ही मूव कर गई वहां से, तो कतई 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 नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए पहली बात। दूसरी बात आपने कहा कि एसपी जी बयान नहीं देती है, तो जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है उनका कोई बयान कभी भी नहीं आता है। अभी तक के भारत स्वतंत्र भारत देश के इतिहास में एसपी जी ने कोई विशेष रूप से अपना बयान जारी किया है ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, और इसलिए एसपी जी को बयान देना मैं नहीं समझता कि उचित है। अब जहां तक यह संशोधन की बात है, यह चौकशी का पार्ट हो सकता है कि किस प्रकार से वो वाकया रहा होगा। और तीसरी बात, जब शब्बीर अहमद भाई ने कहा कि क्या यूटर्न नहीं मारना चाहिए था, 20 मिनट तक आप कैसे रुके रहे, तो शायद उन्होंने पूरा वाकया नहीं देखे। वह एक पुलिया पर आदरणीय मोदी जी के काफिले को रोका गया एक और ब्रिज पर, जहां से ऐसी स्थिति निर्माण की गई कि वहां से यूटर्न मारना या ऐसी स्थिति का सामना होना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ मोदी जी और उनसे संबंधित विषय नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री जी की बात है, यह देश के आत्मसम्मान की, गौरव की और गरिमा की बात है, और वह यह देश के हर आदमी के आत्मसम्मान की बात भी होनी चाहिए। अगर एक देश के इतने बड़े लोकशाही देश के प्रधानमंत्री का अनादर एक कांग्रेस शासित राज्य में इस प्रकार का होगा तो मैं समझता हूं यह अत्यंत खेदपूर्ण बात है। और पंजाब पुलिस ने और पंजाब शासन ने अभी जब 3 सदस्यीय चौकशी समिति का निर्माण किया है तो शायद मसला और सच अब कितना सामने आएगा, कितना नहीं आएगा, कितना पानी बह रहा है, कितने पुलिया से पानी गुजर रहा है, यह भी शायद सामने आना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्दैवपूर्ण बात है और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में लिखा जाने वाला काला अध्याय साबित हो सकता है। मैं समझता हूं क्षितिजा जी कि हमने पिछले चुनाव के दरमियान जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पेरुम्बदूर में जिस प्रकार से वाकया हुआ तो यह ऐसी चीजें होती है और होती आई है, लेकिन अगर इस प्रकार की भावनाएं हैं, इस प्रकार से काम करने का अगर रवैया सामने आता होगा तो शायद इस देश की सुरक्षा भी खतरे में है। बड़े दुर्दैवपूर्ण से तरीके से मैं कहना चाहता हूं, अपना मत यहां रखना चाहता हूं कि पंजाब का जो इतिहास है काफी मुद्दत बाद, काफी अरसे बाद पंजाब में शांति प्रस्थापित हुई है और पंजाब ने लोकशाही समझने की बात अब आई है, पर अगर कांग्रेस शासन पंजाब में जो आज तारीख में है वो इस प्रकार का रवैया और इस प्रकार का कार्यक्रम अपनाएगी तो फिर शायद पंजाब को हम कौन से दिशा से लेकर जा रहे हैं यह भी सोचने वाली बात है। अत्यंत विषण्ण मन से मैं ये कहता हूं कि अगर इस प्रकार की बातें होने वाली होगी तो हम लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इस सिर्फ पंजाब राज्य की जनता के साथ नहीं, सिर्फ पंजाब राज्य की आबादी के साथ नहीं,
तो इस देश के 125 करोड़ जनता के साथ साथ इस देश की सुरक्षा से भी हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो अत्यंत ये निगृण कार्य है, विकृत मनोवृत्ति का कारण है, इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुकी नहीं, तभी स्वतंत्र देश का हर नागरिक भी इसके खिलाफ में कल आकर बोलेगा। और इस प्रकार की बात होने वाली होगी तो कांग्रेस ने अपने कांग्रेस के जो भी कुछ मुखिया है नया साल मनाने के लिए शायद विदेशों में कहीं बिना बुलाए या बिना दावत चले गए, तो ऐसे भी नेताओं को आत्मचिंतन करने का समय आया है, ऐसा ही मैं मानता और समझता हूँ। बिल्कुल विद्रोह जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, हमारे मेसराम भाई ने जो बात कही कि एसपी जी बगैर डीजी के हरी झंडी के मूव नहीं करती है, यह बिल्कुल सत्य बात है। उनके ब्लू बुक में तीनों वैकल्पिक रास्ता, वास्तविक रास्ता और आपात स्थिति के तीनों रास्ते, विकल्प जो हैं और संकल्प सब उसमें लिखे रहते हैं। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो कहीं भी चल देते हैं, जब चल देते हैं तो एसपी जी को मजबूरन चलना पड़ता है। मैंने एसपी जी को नहीं कहा कि वो बिना मर्जी के चलनी हो, समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का दो उदाहरण है, दोनों उदाहरण हमने आपके सामने रखा कि आते आते काबुल से नवाज शरीफ के यहाँ की शादी में चले गए। ये बात मैं कहता नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप न्यूज में शराम बाबू, मैं आपकी बात से चुपचाप सुनता रहा, फिर आप बोलिएगा ना, हमें डिस्टर्ब, थोड़ा सा बुढ़ापा भी है, याद भी हो जाती है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं कहता नहीं, नारा लगने लगा कि पंजाब से बेहतर तो पाकिस्तान है, वो इसलिए कि बगैर बताए वहां गए तो किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ, और यहाँ एसपीजी के साथ जाने में रास्ता और रुद्ध मिला। ये तुलना टीवी चैनलों पर भी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब हमने इसका कहा। आपको मैंने वाराणसी की कहा, हमने एसपीजी को नहीं कहा कि वो बिना मर्जी के चल दी। हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो कहीं भी चल देते हैं, बगैर बताए चल देते हैं, एसपीजी को मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा एसपीजी को बयान देने की जरूरत नहीं है। पहले इनसे पूछ लीजिए कि ये सारी घटना, हमने इंदिरा गांधी को खोया, हमने राजीव गांधी को खोया, हमने सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सी बातें हैं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया, पुख्ता इंतजाम करना जरूरी नहीं था क्या? हाँ, सुनिए, नहीं, 98 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि कोई भी शासन हो, राज्य के शासन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो एसपीजी के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। और ये एसपीजी, अब आप देखिए, इनके प्रोग्राम जब बनाए जाते हैं तो इसके पांच प्रमुख विभाग होते हैं जिनसे एनओसी लेनी पड़ती है, जिनसे सारी चीजें, मौसम विभाग भी बोलता है इसमें, एसबीआई जो होती है यानी खुफिया डिपार्टमेंट भी देती है, एक डायरेक्ट प्रधानमंत्री के लिए काम करती है आईबी, वो रिपोर्ट देती है, एसपीजी है और स्टेट की पुलिस है, इनके सबके मिलकर के ये समन्वय स्थापित करके, आपको मालूम है कि जहां प्रधानमंत्री जाने को होते हैं 24 घंटा पहले एक फोर्स सादे ड्रेस में पहुंच जाती है वहां की रिपोर्ट लेने के लिए। तो हमारा उस पर नहीं है। देखिए, हम ये जांच का विषय है, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि किसकी गलती है। और ये मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग भी हुई, आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जांच रोक दे, सारे सबूत हमारे तरफ भेजे, क्योंकि हम यहां सुन रहे हैं। तो मेरा इस पर बहस नहीं है, प्रधानमंत्री के जान की नहीं, प्रधानमंत्री की हर तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा में ढील देने वाले या गुमराह करने वाले शासन है, प्रशासन है, इसमें पार्टी और पार्टी पॉलिटिक्स से अपने को हमको कुछ नहीं बोलना है। हमारा कहना यह है कि शासन, प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की रक्षा में जो भी चूक हुई है वो जांच का विषय है, लेकिन इसमें जो हम राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति करके एक तरफ जो बंटवारा करने की बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें राजनीति करने लगे तो एक बात हमारे सामने आ रही है, कहीं हम ये भी कह दें कि उत्तराखंड में और जहां पर जो है एक समाज को मारने की बात कही गई, उससे दिशा भ्रमित करने के लिए, दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बात को ला दिया गया बीच में, क्योंकि अब ये चैनल चलता रहे। देखिए, हमारा ये कहना है कि जाकी रही भावना जैसी,
हर मूरत देखी तीन तैसी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया। भावनाओं पर डिपेंड करता है। आप ये इसको अगर रिकॉर्ड में देखना चाहेंगे तो मनमोहन के जमाने को भी देखना पड़ेगा, लोगों ने घेर लिया था। अभी कल की भी आज की बात देखा जाए तो आज चरनी जा रहे थे, किसानों ने घेर लिया था। तो प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न सुरक्षा का है, रक्षा होनी चाहिए, हर तरह से होनी चाहिए, लेकिन प्रशासनिक गलती का राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, ये मेरे कहने का। बिल्कुल। दूसरा मेरा ये सवाल है कि प्रोटोकॉल जिस तरह का रहता है कि जिस प्रधानमंत्री जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री वहां रिसीव करने उन्हें जाते हैं, प्रोटोकॉल का कितना ख्याल रखा गया था, क्या बताओ? देखिए, प्रोटोकॉल जब देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो मुख्यमंत्री को वहां उपस्थित रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसके तीन चीजें हैं, तीन चीजें कैसी है? एयरपोर्ट पर जाना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। हो सकता है कि पंजाब के प्रधान मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल के लिए कोई मिनिस्टर नियुक्त किया हो जबकि उसको ही जाना चाहिए, मगर कहीं हम अपना संदेह वाहक दे देते हैं कि स्वागत में आप जाइए या हम जाए या कोई जाए। दूसरी चीज क्या होती है कि सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनके उद्घाटन के लिए अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री का वहां उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन अगर पॉलिटिकल भाषण के लिए जाते हैं तो वहां मुख्यमंत्री को उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। सरकारी दौरे पर जाते हैं तो उपस्थित रहना अनिवार्य है, अगर राजनीतिक दौरे पर जाते हैं तो उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं है। दौरे की विस्तृत जानकारी हमें नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोटोकॉल पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेश्राम जी, आप क्या बताना चाहोगे? ऐसा है, अभी शब्बीर भाई ने कहा कि भावनाओं से जोड़ना चाहिए। भावनाओं से जोड़ने वाला विषय नहीं है शब्बीर भाई, यह विषय देश के सुरक्षा का है, यह विषय प्रशासन के खामिये का है, यह विषय पंजाब पुलिस ने बरती हुई जो खामियां, जो त्रुटियां उजागर हुई उसका है। और राज्य शासन भैया, मेश्राम बाबू, मैंने भावना कहीं, भावना का प्रश्न मैंने नहीं, आपने बोला है, आप रिवाइंड करेंगे, भावना का प्रश्न नहीं किया। हमने कहा कि सुरक्षा के मामले में हुई उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं लिख कर रखता हूँ यह चीजें, आप जो वक्तव्य में जो भी चीजें आ रही है मैं लिख कर इसलिए रखता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे, मैं जानता हूँ उसके जवाब मुझे देने। मैंने भावना में केवल एक जगह प्रयोग किया, जाकी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी तीन तैसी। मैंने यहाँ बोल रहा हूँ यह विषय, यह देश की सुरक्षा का, यह देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की सुरक्षा का, यह देश के 125 करोड़ आबादी के आत्मसम्मान की बात है। अगर इस प्रकार का वाकया होने वाला होगा या हो रहा होगा तो इसको हम भावना की दृष्टि से नहीं देखेंगे। यह प्रशासनिक खामियां उजागर हुई है यहां पर राज्य शासन की अनास्था उजागर हुई है। और इस प्रकार से अगर काम चलता रहेगा तो देखिए, आपके साथ ऐसा भगवान न करे इस प्रकार का कभी भी समय आए, लेकिन अगर इस प्रकार की बातें आती है तो यह कदापि कतई सहन नहीं की जानी चाहिए। यह देश के रक्षा की बात है तो उसी प्रकार से इसका सामना करने की तैयारी केंद्र शासन ने और इस देश के हर नागरिक ने करनी चाहिए। उतना ही बस हमें इस मौके पर, प्रसंग पर कहने की जरूरत आ पड़ती है। माननीय क्षितिजा जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो भी खामियां हैं, अब एसपीजी की बात रही, मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक के एसपीजी को वहां के पुलिस महानिदेशक अलाउ नहीं करते, ग्रीन सिग्नल नहीं देते, या राज्य शासन के मातहत प्रशासन ये सब चीजें फॉर्मेलिटीज नहीं करता, तब तक के कोई भी मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट होती नहीं है। और वीवीआईपी मूवमेंट जब चलती है तो रडार के साथ चलती है, रडार पर हर मूवमेंट का निशान आता है और वो हर मूवमेंट वो देखी जाती है। और यह जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, विशेष रूप से एसपीजी और त्रिस्तरीय के दो स्तर छोड़कर, तो पहली जो है वो राज्य शासन की है। अगर एक पुलिया पर कोई भी आदमी, जब प्रधानमंत्री जी उस रास्ते से प्रवास कर रहे हैं, उसके अवरुद्ध दिशा में कोई भी ट्रैफिक चल रही है और वहां पुलिया बीच पर जाकर अगर रोक रही है प्रधानमंत्री जी के कैनवाय को, काफिले को, तो यह बहुत ही गंभीर बात है। और उसी गंभीरता के साथ, इसकी गंभीरता हमें समझते हुए, इसके साथ कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या इस बात को संरक्षण देने वाली बात भी
मैंने आपने या हम में से किसी ने भी नहीं करनी चाहिए, इतनी ही बस इंतजा आप सब लोगों से रहेगी। अत्यंत गंभीर यह मसला है, उतनी ही गंभीरता से हमको इस और देखना होगा। और मैं समझता हूं कि यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब की बात नहीं है, तो यह बात भविष्य में आने वाले पंजाब के चुनाव, पंजाब की शांतता, पंजाब का जो अंतरराष्ट्रीय जो इतिहास रहा है, और पंजाब जो पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ राज्य है, तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार का वाकया होना यह अत्यंत गंभीरता वाली बात है। इसको गंभीरता के नजरों से ही देखा जाना चाहिए, ऐसा क्षितिजा जी मैं मानता हूँ और समझता हूँ। ये चल रहा था, आंदोलन चल रहा था काले कानून को लेकर, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी को धमकियां मिली थी, जान से मारने की धमकियां दी गई थी, क्या उसे जोड़कर ये वाकया हो सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो पंजाब की बात है। निश्चित रूप से ये सब देखिए, यह प्रधान, मैं फिर कह रहा हूं कि यह प्रधानमंत्री जी के सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, तो जितने मुद्दे मैंने अब तक गिनाए उससे लेकर ये बातें हैं, और इसलिए उसको हर पहलू से, हर एंगल से, जितनी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, उन सब पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखकर इस बात के तरफ देखना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, कुछ ही घंटों पहले महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष जो है कांग्रेस के नाना पटोले, उनका एक ट्वीट है कि वहां पे जो काफिला रोका गया था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो काफिला प्रदर्शनकारियों ने नहीं रोका था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ऐसा उनका ट्वीट है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो क्षितिजा जी, नाना पटोले जी को आजकल राष्ट्रीय राजनीति में भी और राज्य के राजनीति में भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अनेक मौकों पर देखा गया है और पाया गया है कि इनका बड़बोलापना उजागर हुआ है। अब जब मैंने कहा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोका, तो सबसे बड़ी बात यह देखिए, वहां के सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन की है, वहां के राज्य के पुलिस की है। अगर जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जी का काफिला जा रहा है, उसी रास्ते के विरुद्ध दिशा से कोई भी प्रकार की ट्रैफिक चलना या कोई भी कार्यकर्ता का, कोई भी नेता का, कोई भी वाहन का आना, यह भी जिम्मेदारी राज्य शासन की और राज्य पुलिस की है। अगर इतनी सादी सी बात यह मैं मेरे जैसा आम आदमी समझ रहा है या आम लोग भी समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं यह नाना पटोले जी के ध्यान में नहीं आना, यह उनकी सजगता या उनका राजनीतिक चातुर्य उजागर करता है। उनकी बुद्धिमत्ता को मैं इतने दूर से ही प्रणाम करता हूं और उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसा ही मैं इतना ही उनके बारे में कहना चाहूंगा। बिल्कुल विद्रोही जी, मुझे बताइए, आपने अभी बताया कि जिस तरह से मोदी जी है, कभी भी राह बदलते हैं, जैसा मन में आता है वैसे वो करते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार और जिस तरह से मेश्राम जी ने बताया, उससे मुझे यही पता है कि अगर काफिला अगर जाता है और ऐसा कुछ भी होता है, रूट जो है चेंज करने की बात आती है, तो सबसे पहले उस राज्य के पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है, और जिसके बाद मुआयना करने के बाद अगर वहां पे उन्हें रूट क्लियर है, वहां पे उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, उसी के बाद जो है ये मूवमेंट होता है। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्या राज्य वहां की पुलिस ने जो है वहां पे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं रखी थी? मंत्री जो रहते हैं वो भी, अगर राज्य के मंत्री जाते हैं तो भी कैनवा लगता है, पूरा रोड जो है वो पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, सामान्य लोगों के लिए आवाजाही बंद की जाती है। फिर ये देश के प्रधानमंत्री थे, तो इस वक्त ये पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई? एक मिनट, आपने जो टीवी पर भी देखा होगा, सारी चीज देखी होंगी, तो वहां के किसान नेता का बयान भी आपने सुना होगा कि हम लोग पहले से इस रास्ते से आने की बात कहीं सुनने में नहीं आई थी। और दूसरी बात, जब पुलिस वाले कहे कि हट जाइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। हमने ये समझा कि हमें हटाया जा रहा है रास्ता खाली कराने के लिए। ये भी आपने टीवी न्यूज में देखा होगा। हम लोग तो बैठे थे कि किसी आदमी को, किसान को उनकी रैली में जाने नहीं देंगे, हम प्रधानमंत्री के लिए नहीं बैठे थे। अब आप ये बताइए कि 120 किलोमीटर, ये 2 घंटे की जर्नी है,
और हाईवे पर अगर कोई आदमी चढ़ गया है, देखिए किसी बुरे बात का समर्थन किया नहीं जा सकता, सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, सुरक्षा ये जांच का विषय है। और हम चाहते हैं कि बल्कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच करा ले और देख ले कि भाई अगर सरकार दोषी है तो सरकार की दोषी पर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है, हाई कोर्ट ले सकता है, सरकार ले सकती है। लेकिन जब चुनाव का दौर आता है तो आदमी कई नजर से देखता है कि इससे हमारे वोटों को प्रभावित कर रहे कि दूसरे वोटों में सहानुभूति ले रहे, या हमारे यहाँ जो है चुनाव हमारे नेतृत्व में न करा के राष्ट्रपति शासन लगा के करा रहे, क्या करा रहे। देखिए हमने अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे छोटे भाई ने कहा कि भावनाओं की बात, मैंने भावना का एक ही जगह प्रयोग किया था, वो प्रयोग था कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तीन तैसी। हमने ये कहा कि हम कहीं सुरक्षा में चूक देख रहे हैं, चूक का मतलब भूल होता है, गलती और चूक में फर्क होता है, चूक हो जाती है, गलती की जाती है, और ये जांच का विषय है कि गलती की गई जानबूझ करके या एकाएक भूल से चूक हो गई, तो ये जांच होनी चाहिए, जांच पर हमारा कोई रुकावट नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि किसी चीज को, क्योंकि हमने भी दो चार विधायकों का उनका उनका ट्वीट देखा जिस पर उन्होंने कहा इंदिरा गांधी देंगे, फलाना ना समझो, धमाका ना समझो। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री सबका है और उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम उसके लिए किसी को धमकी दें, किसी को सर्दी दें, माहौल को खराब करें, देश का सद्भाव अगर हम बिगाड़े तो बड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। हमें राजनीति कीजिए, अपने दलों में रहिए, कहीं रखिए, दिलों में इंसानियत रखिए, मानवता रखिए। हमारा केवल इस बात पर बहस है कि सुरक्षा की जांच कराइए, दोषी को सजा दीजिए, लेकिन इस सुरक्षा के चूक का राजनीतिकरण मत कीजिए, जनता के बीच इसको दूसरे ढंग से पेश ना कीजिए। इससे वोट बिटोरने का काम या वोट तोड़ने का काम या किसी बिरादरी को बदनाम करने का काम या किसी स्टेट को कलंकित करने का काम न किया जाए। जांच का विषय है, जिसकी गलती है उसको सजा दिया जाए। अभी अगर डीजीपी ने कह दिया और रास्ता खाली नहीं था, डीजीपी से इस्तीफा लिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, हमारा उस पर कहीं नहीं है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि भारत के अंदर का जो सद्भावना है, सद्भाव है, ये बिगड़ने न पाए, इस तरह की चीजें न की जाए। क्योंकि भाई मोदी जी से बहुत से लोग, क्या पूरा देश जो है प्रधानमंत्री पद से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और ढंग से जुड़े हुए हैं, तो क्षति ये तो ईश्वर की कृपा है और उसका धन्यवाद दिया जाए उस मालिक का कि कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी जिसके वजह से जिसका खमीजा पूरा देश भोगता। लेकिन या ऐसी नौबत आइंदा ना आए, इसलिए इसकी जांच हो करके सही ढंग से चला जाए, बस इतना हमारी बात है। हम ये बातों को नहीं कहते। अभी आपने उनसे एक प्रश्न किया कि उनको धमकी मिली थी और फलाना मिला था। देखिए धमकी और ये चीजें आपके यहाँ बना हुआ कानून है, हमारे धर्मपाल भाई एडवोकेट है, धमकी देने वाले पे भी 506 का, गाली देने पर 504 का, और भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलने पर 153 का, सारे कानून लागू हो सकते हैं। अगर धमकियां हुई तो उस वक्त भी रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी अभी एक नया बयान सतपाल मलिक का आया था, आपने सुना होगा कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने कहा कि 500 किसान मर गए, तो उन्होंने कहा क्या मेरे लिए मरे। देखिए कभी कभी बातों को जब हम ज्यादा फेंकते हैं तो उन बातों में से कोई शाखें निकल जाती हैं। देश का कोई भी मरे, हम प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का एक नागरिक कम हुआ और हमें दुख होना चाहिए, वो देश के लिए मरे या संदेश के लिए मरे। लेकिन अगर उन्होंने मलिक से कहा, सतपाल मलिक से कहा, और सतपाल मलिक ने इसको मीडिया को दिया, इस पर भी दो दिन चर्चा चलती रही। मेरा अपना ये कहना नहीं है, मेरा सिर्फ हमको चाहिए भारत में शांति रहे और भारत के लोगों के अंदर से जो है सद्भावना जीवित रहे, मानवता जीवित रहे, और हम लोग मिलजुल कर देश की रक्षा करें और देश की रक्षा के साथ देश के प्रधानमंत्री की रक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा, ये तो महत्व का विषय रहता है और आने वाले दिनों में इस पे जो है जो भी निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय होगा। सोमवार को भी इसकी हियरिंग होने जा रही है और जल्दी इस पे जो भी है, जो भी इसमें दोषी है, जो भी ये पाया जाएगा वो जल्दी हमारे सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।
साथ में जुड़े होगा।